दोस्तों स्वागत है आप सबका ऑटो वाइकिंग चैनल पे। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन फ्यूल प्राइसेस के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं पेट्रोल की प्राइसेस आसमान छू रही है। पेट्रोल की प्राइसेस आज की रेट में 85 रुपीज़ पर लीटर पे जा गई है और डीजल की प्राइसेस अबाउ 70 रुपीज़ जा चुकी है। इस मौके पर कार और बाइक में फ्यूल डालना, उन्हें यूज़ करना काफ़ी हार्ड होते जा रहा है। इसमें अफोर्डेबल ऑप्शन सिर्फ बचते हैं अपने पास, वो है LPG और CNG। बात की जाए LPG के बारे में, LPG अच्छा फ्यूल है लेकिन वो ड्राई फ्यूल है और साथ ही में उसकी अवेलेबिलिटी काफ़ी कम है। इसमें सबसे बेस्ट ऑप्शन बचता है अपने पास CNG, जो कि काफ़ी यूजेबल है और मेट्रो सिटीज़ में इजीली अवेलेबल होते जा रहा है। अभी ऑटो रिक्शाज कैब्स वाले भी ज़्यादा ही उन्हें यूज़ कर रहे हैं और CNG की प्राइसेस भी 50 रुपीज़ पर KG के हिसाब से होने के कारण काफ़ी अफोर्डेबल हो रही है। जैसे कि दोस्तों हमने बात की CNG की अफोर्डेबिलिटी के बारे में, वैसे ही आज हम बात करने वाले हैं CNG किट के भी बारे में। CNG किट, उसके इंस्टॉलेशन कार में और कार में उसका कैसा परफॉर्मेंस होता है, उसके इफ़ेक्ट्स क्या क्या होते हैं, वो सब की जानकारी आज हम इस वीडियो में लेने वाले हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं एक इस कार को जिसमें 2 साल से CNG किट इंस्टॉल किया हुआ है, उसके परफॉर्मेंस, उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स, मेंटेनेंस कॉस्ट कैसी होती है CNG कार की, देखते हैं। कार है 2009 की मारुति सुजुकी ऑल्टो, जिसमें लगा है FADD 800cc का पेट्रोल इंजन। ये कार में 2016 में CNG किट लगाया हुआ था, तब इस कार की रनिंग थी 8000 किलोमीटर्स। काफ़ी कम यूजेज होने के कारण ये कार ज़्यादा यूज़ नहीं होती थी, उसका किलोमीटर भी कम था। बाद में इसमें CNG किट इंस्टॉल किया गया फैमिली नीड्स को देखते हुए और इसकी यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए। चलिए दोस्तों देखते हैं CNG किट के पार्ट्स क्या क्या होते हैं और उनकी कंपोनेंट्स कहाँ कहाँ इंस्टॉल की जाती है। बात की जाए CNG किट के बारे में, वो CNG किट्स 2 टाइप की होती है। एक होती है कन्वेंशनल किट, जो कि मैन्युअली ऑपरेटेड होती है और उसमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। दूसरी होती है सिक्वेंशियल किट, जो कि रिकमेंडेड है और काफ़ी लोग उसे प्रिफर करते हैं। सिक्वेंशियल किट में सेंसर कंट्रोल आता है और उसका अलग एक इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल मॉड्यूल आता है, जो कि CNG परफॉर्मेंस भी इम्प्रूव करता है और आपको पेट्रोल और CNG ड्राइविंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं कराता। इस किट में हमने लोयाटो का CNG किट इंस्टॉल किया हुआ है। लोयाटो इंडिया में एक प्रिफर्ड चॉइस है। इंडिया में इंडियन मैन्युफैक्चर्ड भी किट मिलते हैं और चाइनीज़ मैन्युफैक्चर्ड भी किट मिलते हैं, लेकिन लोयाटो एक प्रिफर्ड ब्रांड है इंडिया में और उसके किट्स काफ़ी फेमस और रिलायबल होते हैं। बात की जाए CNG कंपोनेंट्स के बारे में, जो इंजन बे में इंस्टॉल होते हैं वो है CNG फिलर वाल्व, जिसे आप CNG कार में भरवा सकते हैं। इससे अटैच आता है CNG प्रेशर गेज, जो कि आप कौन से प्रेशर से CNG कार में भरवा रहे हैं वो बताता है। और एक कंपोनेंट आता है CNG रिड्यूसर, जो कि CNG को रिड्यूस करके भेजता है आपके इंजन बे में। इसके साथ में और एक कंपोनेंट आता है जिसे कहते हैं बूस्टर, जो कि आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करता है और ग्रेडियंट अपहिल ड्राइविंग में आपको CNG का लैग नहीं महसूस होने देता। अच्छी पावर और बेटर पिकअप इस बूस्टर की वजह से आपको मिलता है। कि जय कार के इंटीरियर के बारे में देखते हैं, CNG किट इंस्टॉल करने के बाद आपके कार में क्या क्या चेंजेस आते हैं। इंटीरियर में देखा जाए इसमें सबसे पहले आता है आपका CNG स्विच, जो कि आपके कार के डैशबोर्ड पर लगता है। ये स्विच आपको आपकी CNG की कैपेसिटी, आपका CNG कितना फिल किया हुआ है उसके बारे में डिटेल देगा। जैसे कि हमने कार स्टार्ट की, इसमें आपको CNG की लेवल ये डॉट्स बताते हैं। जैसे कि आप एक्सेलरेट करते हैं, कार अपनी CNG मोड में चली जाती है। स्टार्ट करते हुए कार पेट्रोल मोड में स्टार्ट होती है और इसमें और एक ऑरेंज लाइट आती है, जो कि अगर आपका CNG टैंक रिजर्व मोड में जाता है तो यह ऑरेंज लाइट आपके CNG टैंक ख़त्म होने और उसके रिजर्व होने के बारे में बताता है। ये ऑरेंज लाइट आपके CNG टैंक में कितना मिनिमम फ्यूल बचा है उसके बारे में डिटेल देता है। इस कार की कैपेसिटी है 14 kg और इसमें रिजर्व टैंक कैपेसिटी है 2 kg, जिससे कि आपको मिनिमम 2 kg फ्यूल बचता है। इसमें स्विच दिया हुआ है जिससे आप CNG और पेट्रोल में स्विच कर सकते हैं। इसमें और एक स्विच आता है, जैसे कि इसमें रेड लाइट लगती है, इसे आपको पता चलता है ये कार पेट्रोल मोड में है। CNG का सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट उसका CNG टैंक होता है। CNG टैंक ही आपकी सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है CNG किट का। CNG टैंक आपकी कैपेसिटी
और उसकी फ्यूल स्टोरेज कैपेसिटी बताता है। सीएनजी टैंक इंस्टॉल किया जाता है कार के बूट में, जैसे कि आप देख सकते हैं इस बूट में ब्रैकेट्स लगाए हुए हैं जिसके के ऊपर आपका सीएनजी टैंक लगाया हुआ है। सीएनजी टैंक इंस्टॉल करने से आपका एक ही लॉस होता है, वो है आपकी बूट स्पेस चली जाती है। फिर भी इसमें थोड़ी बहुत बूट स्पेस बच जाती है जिसमें आप आपका स्पेयर व्हील रख सकते हैं और छोटे मोटे बैग्स भी रख सकते हैं। सीएनजी टैंक के साथ में आपको होता है सीएनजी टैंक का वैल्व और उसमें दो होजेस आती है जो प्रेशर लाइन्स होती है, हाई प्रेशर लाइन और लो प्रेशर लाइन, जो कि आपको फ्यूल आपके फिलर वैल्व से सीएनजी टैंक तक भरने में और सीएनजी टैंक से आपको फ्यूल सप्लाई सिस्टम में भरने में काम आता है। सीएनजी किट के बारे में एक मिथ है कि सीएनजी कार जल्द से जल्द फायर कैच कर लेती है, लेकिन बात की जाए पेट्रोल और सीएनजी के बारे में, पेट्रोल ज़्यादा वोलाटाइल है और ज़्यादा वो फ्लेमेबल है, इसलिए पेट्रोल कार जल्दी आग पकड़ सकती है सीएनजी से पहले। लेकिन अगर आपको लगता है आपका सीएनजी अगर कहीं पर लीक हो रहा है या उसके फायर कैच करने के चांसेस है, पीछे में जो वैल्व लगा होता है आप उससे जाकर जो सीएनजी का वैल्व होता है उसे सिर्फ टर्न कर दीजिए, आपका सीएनजी किट पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा और आपके लीकेज और फायर कैच करने के कोई भी चांसेस नहीं रहेंगे और आपकी कार सेफली फायर से बच जाएंगी। जैसे कि आप देख सकते हैं ये वैल्व होता है, आप उससे सीएनजी लीकेज और उसके फायर कैच करने से बचा सकते हैं। इंजन लाइफ के बारे में, सीएनजी इंस्टॉल करने से आपके कार में कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता, ना ही इसमें आपके कार में इंजन में क्रैक्स आते हैं और ना ही इससे आप इंजन की लाइफ कम होती है। सीएनजी काफ़ी अच्छा और गुड फ्यूल है जो कि आपको हाई एफिशिएंसी और रिलायबल है। आप उससे ज़्यादा से अगर आप कार को रेगुलरली मेंटेन रखते हो तो आप उसे लॉन्ग टर्म यूज़ के लिए अच्छा प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि आपको मालूम होगा कैब्स और ऑटो रिक्शाज में भी ये काफ़ी फेमस होने लगा है, उसकी यूजेबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। कुछ कुछ लोगों ने सीएनजी पर 1 लाख 2 लाख या 3 लाख तक भी रनिंग किया हुआ है, उससे आपको पता चलता है सीएनजी कार काफ़ी रिलायबल है और अगर आप उनको अच्छा और रेगुलर मेंटेनेंस देते हैं वो टाइम आपको अच्छे लाइफ। मेंटेनेंस के बारे में, सीएनजी लगवाने से आपको कार में ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, लेकिन उसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। जैसे कि आप नॉर्मल मारुति कार्स के बारे में बात की जाए, उनकी नॉर्मल एयर फिल्टर की चेंज टाइमिंग है 6 महीने या 10,000 किलोमीटर, लेकिन सीएनजी इंस्टॉल करने के बाद आपको नेसेसरी है कि आप एयर फिल्टर हर 8,000 किलोमीटर पे चेंज करें और साथ ही में आपको हर 6 महीने या 1 साल में अपना थ्रॉटल बॉडी होती है जो कार की, उसे आप क्लीन करवाएं, जो कि कार इंजन परफॉर्मेंस और सीएनजी में आपको काफ़ी अच्छा देता है। और एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इंजन की टैपेट सेटिंग, जो कि आपको टाइम टू टाइम करनी चाहिए। टैपेट सेटिंग करने से आपको सीएनजी की टाइमिंग आप आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं और सीएनजी टाइम टू टाइम आपके सिलेंडर में जाएगा और उससे आपको बाद में ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होगी। ये अगर टैपेट सेटिंग, एयर फिल्टर टाइम चेंज इंटरवल आफ्टर एवरी 8,000 किलोमीटर और थ्रॉटल बॉडी क्लीनिंग, ये तीनों पार्ट अगर आप टाइम टू टाइम करते हैं आपको सीएनजी कार यूज़ करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी और लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी के लिए आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। सीएनजी फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग रन के लिए यूज़ कर सकते हैं। सीएनजी किट्स के बारे में, सीएनजी किट्स होते हैं फैक्ट्री फिटेड और होते हैं आफ्टर मार्केट फिटेड। अगर इस प्राइसिंग को देखते हुए करंट फ्यूल प्राइस है, जो कि पेट्रोल आपको 85 रुपीज़ पर लीटर है, अगर ये टाइम पे अगर आप कार में अपने सीएनजी किट लगवाना सोच रहे हैं तो ऐसा वेंडर चुने जो आपकी कार पर की जो आरसी होती है, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उस पर आपकी सीएनजी किट लगाया हुआ है वो एंडोर्स करके दे। साथ ही में आपके इंश्योरेंस पेपर पर भी आपके कार में सीएनजी किट लगाया हुआ है वो भी एंडोर्स करते दे इससे। लेकिन ये बात ध्यान में रखें, आपकी कार वारंटी में नहीं है। अगर आपकी नई कार है उसमें अगर आप सीएनजी लगाते हो तो उसकी वारंटी वॉइड हो जाती है, इस बार का आप ज़रूर ध्यान रखें। लेकिन अगर आप फैक्ट्री फिटेड कार देख रहे हैं तो ज़्यादातर प्रेफर कीजिए कि उसमें फैक्ट्री फिटेड कार में आपको डायरेक्टली ही आरटीओ एम्बॉस सीएनजी किट लिखा हुआ आता है और इंश्योरेंस में भी आपको सीएनजी किट लिखा होता है, उसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। लेकिन इस करंट प्राइसेस को देखते हुए अगर आप लो बजट में एक सीएनजी कार देखना चाहते हैं, एक आप यूज्ड कार ले सकते हैं और उसमें आप सीएनजी किट इंस्टॉल करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान में रखें आपके आरटीओ और आरसी के ऊपर
साथ में आपके इंश्योरेंस पेपर्स भी ऊपर ये लिखा हुआ हो कि आपकी कार में सीएनजी किट बिठाया हुआ है। अगर ये किट आपके इंश्योरेंस और आरसी पे नहीं होगा, अगर आपकी कार को कुछ हो जाता है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई भी नहीं लेगा। इसलिए ज़्यादातर ध्यान रखें कि आपके आरसी बुक और इंश्योरेंस पे सीएनजी किट आपकी कार में लगाया हुआ है ये एम्बॉस्ड हो। बात की जाए सीएनजी किट के बारे में और उसे इंस्टॉल करने के बाद आपकी कार के रिसेल वैल्यू को कुछ इफेक्ट नहीं होता। अगर आप इस टाइम पे सीएनजी किट इंस्टॉल करते हैं और फ्यूचर में उसको रिप्लेस करना सोचते हैं तो सीएनजी किट की रिसेल वैल्यू काफ़ी अच्छी आती है, और उस क्योंकि सीएनजी कार की मेंटेनेंस कम होती है और सीएनजी आपको कम प्राइस में मिलता है, इसलिए आपको सीएनजी कार यूज़ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बात की जाए सीएनजी टिप्स के बारे में, आप ज़रूर ध्यान में रखें आपकी सीएनजी कार हर महीने में एक या दो बार पेट्रोल पर कुछ 20 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करे। ऐसा मत कीजिए कि आपकी कार सीएनजी पर है इसलिए उसका फुल टाइम सीएनजी पर ही चलाए, पेट्रोल में भी थोड़ा बहुत उसका यूज़ रखे, उसकी यूजेबिलिटी भी रखे। सीएनजी फिल करते हो उसका ध्यान रखे, सीएनजी का आप अच्छी प्रेशर से फिल कर रहे हो, लो प्रेशर में आप कभी भी कार में सीएनजी मत भरवाइए, सीएनजी भरवाते हो उसका ध्यान रखे। बात की जाए सीएनजी की रिलायबिलिटी के बारे में, काफ़ी सीएनजी किट इंस्टॉल करने से आपको एक सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है, आप इकोनॉमिकल होते हो, आपकी सेविंग्स भी ज़्यादा होती है और आपको एक अच्छी और थोड़ी अच्छी पावर सिटी यूज़ के लिए बेटर एफिशिएंसी वाली कार मिल जाती है। इसलिए दोस्तों सीएनजी किट इंस्टॉल करते वक्त ध्यान रखें कि आप उसमें आप कंपलसरीली आपकी आरटीओ और इंश्योरेंस पेपर कर एंडोर्स करें और टैपेट सेटिंग, एयर फिल्टर चेंज इंटरवल, ये जैसी बातें हमेशा मेंटेनेंस के लिए ध्यान रखें। ये इन कुछ बातों अगर आप ध्यान रखते हैं सीएनजी कार यूज़ करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी और आप लॉन्ग रन के लिए सीएनजी कार आसानी से यूज़ कर सकते हैं। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और ऑटो वाइकिंग चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।